guys, welcome back to the next video of Accounts Adda. आज हमारे वीडियो नंबर 31 और वीडियो नंबर 31 में हम अपना एडमिशन वाला चैप्टर खत्म करने वाले हैं। इनसे पुरानी वाली वीडियो में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के दोनों केसेस पढ़ लिए। जब पहला केस, जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है और उसके हिसाब से पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं। केस नंबर 2 था कि जहां पे पुराने पार्टनर की नई कैपिटल यानी क्वेश्चन करने के बाद जो फाइनल कैपिटल आती है उसके बेसिस पे नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है। आज जो हम ये पढ़ने वाले हैं वो कैपिटल एडजस्टमेंट ही है और उसी कैपिटल एडजस्टमेंट में एक छोटा सा नया केस है। इट्स नॉट अ केस, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि गाइज सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज समझो, केस रटो मत। तो आज जो हम जिसके लाइन में समझेंगे और जिसको देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 91, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 4.105, क्वेश्चन नंबर 91। आधा इस पेज पे है, आधा पीछे वाले पेज पे है। सो गाइस, जिसके पास बुक नहीं है या एडिशन आगे पीछे है वो स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को देख लो, उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और पढ़ने के बाद अपने हिसाब से दिमाग लगाना स्टार्ट करो। अगर है तो वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हम अभी वही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वो वाला क्वेश्चन जो कि आपने लिख लिया होगा। सो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्सेल वाई, हम यहाँ टाइम नोट करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में हम ये क्वेश्चन करेंगे। जो एक स्पेशल केस है, जो इसमें जो एक अलग है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट से, वो भी देखेंगे। देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, देखते हैं एक्स और वाई दो पार्टनर है। तो हमने यहां लिख लिया कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। जेड इज एडमिटेड, जेड आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही पूरी बैलेंस शीट रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो भी वर्कमैन कंपनसेशन है या रिजर्व है या पीएनएल है या गुडविल है जो बैलेंस शीट में है, जो कि बटनी चाहिए, उसको देखेंगे। देखो, एक्स और वाई कैपिटल लेकर के कोई काम नहीं, क्रेडिटर कुछ नहीं, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है तो टिक लगाया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए टिक लगाया, कैश इन हैंड, डेटर स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी और कुछ भी नहीं। अब जो हमारे पीछे वाले पेज पे या फिर आगे जो है एडजस्टमेंट को देखो, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, एक्स और वाई का पीएसआर है 3:2 ओल्ड वाला, ठीक है। आगे देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग स्टॉक, तो बिल्डिंग पे यहां पे टिक लगाया, बैलेंस शीट पे और स्टॉक पे टिक लगाया। जेड इज टू द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट 2000। अब यहां ध्यान से समझना गाइस, हमारे क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन है 4000 का, ठीक है, और 2000 की नई लाइबिलिटी बन चुकी है वर्कमैन कंपनसेशन। तो हमने पहले भी पढ़ा है दैट इन वर्कमैन कंपनसेशन हम पहले लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे और उसके बाद जो बचा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यानी जो 4000 रुपए यहां है वर्कमैन कंपनसेशन के, उसमें से 2000 रुपए लाइबिलिटी के जाएंगे और बाकी बचे हुए 2000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसको हम यहां पे टिक लगा लेते हैं ताकि ध्यान रहे। जेड इज टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश 10,000, जेड जो है वो गुडविल लेके आया है कितनी, 10,000 रुपए। यह प्रीमियम है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां देखो डी पॉइंट, जिसकी वजह से हमने क्वेश्चन करा है, जेड इज टू बी ब्रिंग फ्यूचर कैश एज टू मेक हिज कैपिटल, जेड जो कैपिटल लेके आएगा इज इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। यानी कि जेड जो कैपिटल लेके आएगा वो कितनी होगी, 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, यानी कि एक्स और वाई की जो कैपिटल आई उसका 20%, टोटल कैपिटल नहीं निकालने में, एक्स और वाई की जो फाइनल कैपिटल आएगी, जो उनका बैलेंस आएगा, उस बैलेंस का 20% जो होगा जेड लेके आएगा। ये हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के किसी भी केस में नहीं पढ़ा है, बट क्योंकि जनरल चीज है गाइस, लैंग्वेज है कि 20% वो लेके आएगा। यहां आगे लिखा हुआ है आफ्टर अबोव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि ये बनाने और ये बनाने के बाद जो कैपिटल आएगी एक्स और वाई की, उसका 20% ये लेके आएगा। तो इसको भी हमने यहां पे टिक लगा दिया। आगे है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5, 2:5 और 1:5, तो न्यू रेशियो हमें दे रखा है 2:2 एंड 1,
सेक्रीफाइस निकाल लें क्यू से, वही काम है अपना, फाइव और फाइव दोनों बराबर है तो नॉर्मली माइनस करते हैं वन जीरो एंड माइनस वन, यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स है जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा शेयर गुडविल का किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म होता है, अब हम वापस से क्वेश्चन रीड करेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, देखो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल यहां लिखा हुआ है, तो यहां बाय बैलेंस बीडी, एक्स की कैपिटल 10,000 वाई की कैपिटल 8,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर 12,000 और क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने यह लिखा क्रेडिटर कितने हैं 12,000 एज दिस लिख दिए। आगे जो हमें गिवन है वो है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो बाय जनरल रिजर्व कितना है जनरल रिजर्व 16,000 रुपए, 16,000 रुपए को हमको 3:2 में बांटना है, तो देखो मैं यार आपको कैसे बांटते हैं, 16,000 × 3/5 ये एक्स का होगा, 16,000 × 2/5 ये वाई का होगा, काटेंगे कैसे पहले इसको 5 से काट देंगे, ये आया 3200। ठीक है, तो इसका आ गया इंटू 3 तो 9600 इसका और 6400 इसका। ठीक है, ये आ गया जनरल रिजर्व। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन, टिक लगा हुआ है, हमें ध्यान है पीछे लायबिलिटी थी तो क्वेश्चन में क्या था 2000 की लायबिलिटी है, तो 2000 तो हम यहां लिख देंगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, अब बाकी जो 2000 रह गए, चार में से दो की तो लायबिलिटी रह गई है, जो बाकी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो कहां पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से पार्टनर्स कैपिटल में, वो बचे हुए 2000 3:2 में, तो उन बचे हुए 2000 को 3:2 में बांटा तो बचे 1200 और 1200 और कितना बचा 800। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे देखेंगे, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक सेकंड गाइस आया हो गया क्वेश्चन, हाँ तो हमारा जो आगे क्वेश्चन है वो ये कहता है, इस तरफ कैश है, कैश बाद में देखेंगे, डेटर है, डेटर की कीमत हम लिख देते हैं कोई एडजस्टमेंट नहीं है 11,000। आगे लिखा हुआ है स्टॉक, स्टॉक लिखा हुआ है 12 और उसमें टिक लगा हुआ है, तो क्या टिक है हमारा पीछे पलटते हैं, स्टॉक की नई कीमत है 16, तो बाय स्टॉक के नाम से 4,000 रुपए यहां बढ़ गए और नई कीमत आ गई 16,000 रुपए। अगला लिखा हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग की कीमत लिखी हुई है 8,000 और पीछे जो हमारा एडजस्टमेंट है उसमें कीमत लिखी हुई है 18, तो 10,000 बढ़ गई, तो बाय बिल्डिंग के नाम से 10,000 रुपए यहां आए और बिल्डिंग की नई कीमत हो गई 18। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है मशीनरी, तो मशीनरी हम एज इट इज यहीं पे छोड़ देते हैं 10,000 रुपए। ठीक है, आगे देखो, आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पीछे पलट के देखते हैं कुछ रह गया क्या, कुछ नहीं रहा, एक लाइन यहां छोड़ी कैपिटल के लिए और अगली लाइन में बाय लिख दिया बाय प्रीमियम, प्रीमियम का सारा पैसा किसको मिलेगा एक्स को, क्योंकि वो ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहां हमारा सिर्फ कैपिटल रह गया है, लास्ट जो हमने कैश छोड़ा है वो कैश लिख देते हैं, कैश का बैलेंस हम रफ में निकाल देते हैं आधा पर्दा, तो कैश की पुरानी कीमत थी 9,000 प्लस जो पार्टनर प्रीमियम लेके आया 10, तो अब तक कैश 19 का है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अब हम फटाफट से बैलेंस निकालना स्टार्ट करते हैं, 10 और 4 14 डायरेक्ट आ रहा है इसका, तो 14 एज इट इज यहां लिखा गया, तो यहां टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई कितना 14,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो मैं रफ में करके दिखा देता हूं, 14,000 रफ में कर रहा हूं मैं, ढंग से लिखना है इसको, इंटू कितना है ओल्ड रेशियो 3/5 इसका और 14,000 इंटू 2/5 इसका, तो 3/5 काटे कितना कट रहा है 2800000, यहां भी 2800 इंटू 3 यहां पे है इंटू 2 यहां पे है, 3 करा तो कितना हुआ 004 8400 इसका और 006 5600 इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस, तो हम यहां लिख देते हैं 8400 5600। ठीक है, ये एज इट इज हम यहां उतार देंगे, हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी हो गई है गाइस, तो थोड़ा सा उसको एलिमिनेट करना, तो बाय
रिवैल्यूएशन कितना आया 8400 और 5600। ठीक है, अब क्या बोला था कैपिटल एडजस्टमेंट में आते हैं, उसने बोला है कि एक्स और वाई की जितनी भी कैपिटल आएगी उसका 20% जेड लेके आएगा। तो एक्स और वाई की पहले नॉर्मली हम कैपिटल निकाल देते, देखो गाइस एक्स की कैपिटल 10, 20, 18, 28, 29, 200 हम एक बार चेक कर लेते हैं, 39, 200 बिल्कुल सही हमारी कैपिटल यहां पे आ रही है। और उसकी कैपिटल जो है देखते हैं 8, 14, 14 और 5, 19, 20, 20,800 बिल्कुल सही आ रही है हमारी 20,800। तो यहां टू बैलेंस सीडी कितना कितना है 39,200 और 20,800। ठीक है, अब फाइनली जेड की कैपिटल निकाले, तो मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं और मिटा के हम देखते हैं कि जेड की कैपिटल कैसे निकालनी है। इसको प्रॉपर वर्किंग नोट में ही लिखाना है, कैसे लिखेंगे, जेड कैपिटल इज इक्वल्स टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, पूरा ढंग से लिखना है। तो देखो 20% यानी 20/100 इंटू कंबाइंड कैपिटल कितनी है, इसकी कैपिटल है 39,200 प्लस 20,800, तो टोटल कैपिटल में 60,000, जिसका 20% हमें निकालना है, तो 60,000 का 20% हो गया 12,000 रुपए। कितना हो गया 12,000 रुपए, और ये जेड की कैपिटल बिल्कुल सही आ रही है। तो जेड की कैपिटल में हम लिख देते हैं 12 बाय, कहां से लाया ये, कैश से लाया होगा, तो हमारी कैश की कीमत भी आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 31,000 रुपए, तो कैश में भी लिख देंगे 31,000। ठीक है, फाइनली जेड का टोटल 12,000 यहां, 12,000 यहां। क्वेश्चन खत्म करते हैं, बैलेंस शीट को मैच करते हैं। ठीक है, सो गाइस ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, एक चीज होती है जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अगर वो चीज समझ में आ गई तो उसके बाद तो क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वो चीज समझने के लिए हमें अपनी इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी। सो गाइस इंग्लिश पे जरूर काम करो, इंग्लिश पे काम करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नॉट अ सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर की हाँ हम जो पढ़ते हैं हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम टोटल लगा लेते हैं एक बार इसका फाइनली, ताकि हम तो संतुष्टि मिल जाए, 72 और 12, 84 और 2, 86,000 चेक कर लेता हूं मैं, इस तरफ का भी 86 ही आएगा, ठीक है 86,000 बिल्कुल आ रहा है। पर अगर आपको चेक करना है तो देखो 11, 16 कितने हो गए 27, 37 और 8, 68 और 18, 86,000 बिल्कुल सही आ रहा है हमारा टोटल। सो गाइस ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 और उसके सारे क्वेश्चन जो कि हमने पिछली इतनी सारी वीडियो में देखे। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है जो मैं यहां समझाना चाहता हूँ गाइस, पहले जो अपने पॉइंट है वो देखो ध्यान से क्या करने हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन करे, भाई फोर्थ है फिफ्थ है कोई सा भी चैप्टर है, जब बैलेंस निकलता है रिवैल्यूएशन का तो बैलेंस हमको यहां की टॉप मोस्ट लाइन पे निकालना है। टॉप मोस्ट का मतलब अगर ये 3 लाइन भरी हुई है एडजस्टमेंट से तो चौथी लाइन में ही टू पार्टनर्स कैपिटल कर देना, ऐसा नहीं कि हम यहां पे पार्टनर्स कैपिटल लिखे, यानी कि जो अगली खाली लाइन है हमें वही बैलेंस निकालना, पहली छोटी सी चीज। ठीक है, सेकेंड चीज इसका जो अमाउंट है अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लिखने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे बचपन में लिखा जाता था जैसे 10,000 है फिर 800 है तो यहां लिखना है और 5,000, तो ताकि इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में जो होगी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें तो आदत है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट अगर आप स्टार्टर हो तो ध्यान रखना क्या लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करोगे तो फायदे में रहोगे। थोड़ी सी लॉजिक लगाने की, हर चीज का कहीं ना कहीं डबल इंपैक्ट पड़ने वाला है, अगर कोई चीज उधर आई है तो इधर भी कहीं ना कहीं आ जाएगी। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने फर्स्ट जल्दी से ये वाला क्वेश्चन खत्म करा क्योंकि हार्डली 10 to 12 मिनट भी लगने चाहिए क्वेश्चन को करने में। सो अपनी घड़ी उठाओ, क्वेश्चन उठाओ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ माइंड, दिमाग सही है तो सब कुछ सही है। सो गाइस टिल देन कीप ऑन वाचिंग, अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो।